Is there a scope for experimentation without the fear of creating another pattern? With TV serials being remade from successful regional shows, does it mean we are left with nothing to say? Asking all these important questions is going to be our moderator, Swiksha Bhagat. Swiksha Bhagat is the screenwriter and screenwriting faculty who has written award-winning shows like Khatilal and Sons, Chakravarti Samrat Ashok. पीश्वा बाजीराव एंड हुल्फी कुमार बाजेवाला वेलकम्स वीक्षा थैंक यू अह uh, ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि आज मैं एक ऐसा सेशन मॉडरेट कर रही हूँ uh, जहाँ पैनल पे बैठे सारे लोग मेरे सीनियर्स और किसी ना किसी समय मेरे गुरु रहे हैं तो मैं फिर से एक स्टूडेंट जैसा फील कर रही हूँ जिसको बस आज स्टेज पे वो क्वेश्चंस पूछने हैं जो वो मीटिंग्स में ऐसे हाथ उठा के पूछा करती थी सो आई एम जस्ट लाइक यू अ न्यू राइटर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जाल कब किसने कहाँ बिछा दिया एंड इट्स माई ऑनर टू इंट्रोड्यूस द पैनल फॉर टूडे प्रीति मैमगिन ये एक्टर हैं स्क्रीन राइटर हैं और इन्होंने हमें शोज दिए थे जैसी जैसी कोई नहीं मेरे डैड की दुल्हन और जब लव हुआ प्लीज वेलकम मैम हमारे पैनल पे मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर फैजल अख्तर को जो एक सीनियर टेलीविजन राइटर है जिन्होंने हमें बहुत सारे अच्छे हिस्टोरिकल शोज दिए हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्तन सम्राट अशोक और पेशवा बाजी राव प्लीज़ वेलकम सर पैनल में हमारे अपने जमा सर जनरल सेक्रेटरी एस डब्ल्यू ए जो डायरेक्टर हैं स्क्रीन राइटर हैं और प्रोड्यूसर भी रहे हैं ऑफ निमकी मुखिया निम्कि विधायक इशारों इशारों में लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैनल में हमारे साथ हैं संजय उपाध्याय जी जो राइटर डायरेक्टर रहे हैं उन शोज़ के जिनका बार बार नाम लिया जाता है जब भी कोई कहता है कि टीवी में अच्छा काम भी होता है प्लीज़ वेलकम द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ सत्य बोल साया एंड हम परदेसी हो गए सो uh, so, जैसा कि रिवायत रही है पहला क्वेश्चन सबके लिए होता है और वो सेशन के मुद्दे के टाइटल से जुड़ा है कि ये टाइम स्पेंड का जाल है जो uh, जिसमें हम सब थोड़ा फंसे हुए फील कर रहे हैं इसीलिए वर्ड जाल का यूज हुआ है यहाँ पे बट uh, उसका मैं थोड़ा कॉन्टेक्ट देना चाहूँगी कि ये जाल क्या मुझे लगता है, है और कहाँ से आया है तो uh, जाल में अक्सर वही चिड़िया फंसती है जो दाना देखती है और फिर फंस जाती है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि ये दाना मिलने वाला नहीं है और एक्चुअली अगर दाना खाने जाऊंगे तो पीछे से कोई जाल डालने वाला है और टीवी राइटिंग एक्चुअली यंग राइटर्स के लिए और स्पेशली जो इंस्टीट्यूट से भी पढ़ के आते हैं उनके लिए वो एक बस एक पड़ाव होता है कि टीवी लिखेंगे हमको थोड़े पैसे मिलेंगे हमारा सर्वाइवल और शुरू हो जाएगा स्ट्रगल थोड़ा कंट्रोल में आएगा और फिर हम फिल्म लिखने चले जाएंगे तो ये बेसिकली हम लोग इसे ऐसा स्टेपिंग स्टोन मान के शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम इतने साल से टी देख रहे हैं हमको ऐसा लगता है कि यार ये कहानी कहनी नहीं है इसमें पैसे मिलते हैं पर ये कहानी नहीं कहनी है तो बहुत बोरिंग चीज़ है और वो जो एक चीज़ है वो हमारे पिछली आईएससी में भी बात उठी थी कि क्या टीवी को नए राइटर्स नहीं मिल रहे हैं क्या नई वोइसेस नहीं आ रही हैं और पिछले आई और आज में चार साल का डिफरेंस है सो आई जस्ट वॉन्ट टू थ्रो आउट दिस क्वेश्चन कि उन चार सालों में क्या ये जाल और ज्यादा बढ़ गया है या कहीं ना कहीं कोई एक ब्रेव uh, सारी चिड़िया उड़ने वाली और एक दिन ये जाल लेके उड़ जाएंगी होगा क्या हमारे साथ इफ़ यू कुड गिव योर और विल स्टार्ट विट प्रीति मैम प्लीज सो थैंक यू आई डिसग्री विद वन पॉइंट स्वेक्षा कि ऐसा नहीं है कि हम सब टी वी लिखते हैं विद द होप ऑफ राइटिंग फिल्म एक्चुअली मुझे लगता है सीरियलाइज राइटिंग इज़ अ लॉट मोर डिफ़िकल्टैन दैन राइटिंग अ फिल्म और राइटिंग समथिंग विच इज़ यू नो लिमिटेड क्योंकि आपको एक ओपन एंडेड स्टोरी लिखनी पड़ती है जो कि बहुत टफ होती है आपको कैरेक्टर का ग्राफ अभी तीन घंटे की फिल्म के लिए नहीं या दो घंटे की फिल्म जो आजकल हो गई है उसके लिए नहीं आपको सौ एपिसोड तक सोचना पड़ता है सो इट इज़ अ वे 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 टफ राइटिंग एंड आई थिंक द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग टी वी सम एटलीस्ट इट हैपन फॉर मी आई कैन ओनली स्पीक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस वो एक अलग ही नशा है वो वो एक आपके अंदर वो चीज़ जग जाती है कि हाँ हाउ वट मोर कैन आई डू वट वे एल्स कैन आई टेक दिस कैरेक्टर सो आई फील Largely, yes, people look down on television writing, but I I know of a, I once met a film writer, who just recently started writing TV, and he was a very good friend. And I met him, and he said, tum So that's the day it struck me that yes, what we are doing is way more complex. It, I'm not talking about quality. Yes, there are there's probably 90% of TV that's being written is is not good. विच ब्रिंग्स अस टू जो जाल की आप बात कर रहे हो कि एक्चुअली uh, एक राइटर जो शुरू करता है लिखना उसका कंट्रोल रह ही कहाँ जाता है राइटिंग पे इट्स लाइक एडवंस गिवन एन इंटरव्यू इन विच आई सेट कि मैं मैंने अगर पैदा कर दिया बच्चा पर फिर वो कोई और अडॉप्ट करता है फिर उसको कोई वो किसी और फॉस्टर रूम में जाता है फिर उसको कोई और अपनी तरह से बदलना चाहता है कोई उसको मजिशियन बनाना चाहता है कोई उसको डॉक्टर बनाना चाहता है वो खिंचतान के जब तक वो फाइनली स्क्रीन पर आता है वो किसी का बच्चा नहीं रहता आई कॉन्ट रिकोगगनाइज माई ओन चाइल्ड तो देन हाउ कैन आई एन्श्योर कि uh, टी वी एफ की भैया आपको टाइम स्पेंड मिलना चाहिए हमेशा हाउ केन आई इंश्योर वैन आई हैव नो कंट्रोल एज अ राइटर एक्चुअली आई हैव नो कंट्रोल ओवर और लेट्स से आई हैव वेरी लिटिल कंट्रोल वैन वी आर स्टार्टिंग ऑफ यस बट इट्स ऑन एन ऑन गोइंग शो ऑन अ रनिंग शो राइटर वेरी सोन बिकम्स अ वेरी यू नो कड़ी विच इज़ बींग पुल्ड फ्रॉम एवरी एंगल एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन आई एम नॉट से चैनल ने ये किया ये वो जो भी है वो हमारा सिस्टम बन गया है And so, at some point of time, because everything is being guided by that. That the episode had a spike of or minutes, and then it dropped to you know, But how can, I, how can I ensure that? Because there are just too many uh, variables in, in writing for TV. So this is my take. Uh, sir if you would have anything to add to it. Uh. एक्चुअली इट्स uh, मतलब ये जितना कॉम्प्लीकेटेड है उतना कभी कभी आई फाइंड दैट इट्स वेरी कॉमिकल ऑल्सो दैट देर आर सो मेनी थिंग्स दैट एक्चुअली गोज बिहाइंड इट दैट यू एक्चुअली नीड टू बी इन देयर टू एक्सपीरियंस वॉट एक्चुअली हैपन्स एंड हाउ एनी टेलीविजन राइटर मतलब uh, हर टेलीविजन राइटर वो कॉन्स्टेंटली एक ऑक्सीजन मास्क पहने खोजता है मतलब कभी भी उसका ऑक्सीजन मास्क उतर सकता है रात को कॉल आएगा आपको कि अभी ये चेंज हो गया अभी ये करना है और टीआरपी से तो हम लोग जूझ ही रहे थे मतलब फिर एक ज़माना आया कि टीआरपी तो चलो ठीक है मतलब आपकी टाइम स्पेंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये सडनली किसी एक जीनियस का रियलाइजेशन हुआ होगा आई एम श्योर जब टाइम स्पेंड होता है तो मतलब टाइम स्पेंड जो है वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसमें राइटर जो है ना वो ऑलमोस्ट इज़ लाइक like, वो उस रिश्तेदार की तरह होता है जो आईसीयू के बाहर खड़ा है ठीक है यू नो और अंदर जिसकी मतलब जिसकी भी हालत खराब है ना वो उसकी बीवी है ना यू you नो know, उसकी हालत खराब होने में उसका कोई हाथ था मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो भी मतलब जिसकी भी बीवी है वो प्लॉट जो दूल्हे ने रचा मान लीजिए या मंडप वाले ने पर्दे ठीक से नहीं लगाए थे या पंडित ने जो है डायरेक्ट करते वक्त विधि ठीक से नहीं कही वो सारी बातें जब स्क्रीन पर आती है और उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है वो भुगतना जो है उस रिश्तेदार को पढ़ता है जिसका कोई लेना देना नहीं है उसके सामने बस एक क्रॉस दिख रहा होता है वो प्रे कर रहा होता है कि पता नहीं मतलब यू नो कि बच जाए भाई ये बच जाए बट एनी विच वेज आई एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग वाई बिकॉज इट टुक मी समाइम एज अ टेलीविजन राइटर यू नो टू अंडरस्टैंड वॉट इज दिस टाइम स्पेंड है क्या टाइम स्पेंड तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली uh, ये किसी का ध्यान आकर्षित करना है मतलब मान लो कोई जा रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा ए भाई उसने नहीं सुना मैं दोबारा वापस से चिल्लाऊंगा थोड़ा और जोर से ए भाई फिर नहीं सुना तो तिबारा चिल्लाऊंगा अरे सुन नहीं रहा है क्या तू बस यही है एक्चुअली हम मिनट बाय मिनट सेकंड यू टू राइट इट इन सच दैट ऑडियंस जो बैठ के नो you know, सब्जी काट रही है अंदर जिसका भी जो भी हो रहा होगा बाहर भाग कर आ और देखे कि कुछ हुआ क्या क्या हुआ टेलीविजन पे हर मिनट में आपको कुछ ऐसा देना पड़ता है you know, जो सामने उस ऑडियंस को आकर्षित करे उसे लगता रहे वो उठ के ना जाने पाए मतलब यू नो कि मतलब शायद बच्चा कुछ मांग रहा होगा उससे यू नो मेरे को खाने को दे दो मम्मी लेकिन मम्मी जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पता नहीं कब क्या हो सकता है किसके पैर के नीचे नींबू आ जाए या कौन मतलब कलिंगड़ को जलम दे दे ठीक है बट द पॉइंट इज हाउ डू यू हुक ऑडियंस इन दैट

अभी मुझसे भी पूछा गया एक शो पे कि व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग यहाँ बैठे बैठे भी मैं सोच रहा हूँ लेट मी बटन टाइम स्पेंट होता क्या है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि कुछ लोग फिल्म से हैं कुछ वेब से हैं तो टाइम स्पेंड को सिर्फ मैं डिफाइन कर देता हूँ कि आपके 21 मिनट का एपिसोड होता है आधे घंटे के एपिसोड में 21 मिनट का कंटेंट होता है और आपको रोज़ बताया जाता है कि आपके इस 21 मिनट में से 11 मिनट देखे गए या 12 मिनट देखे गए या 18 मिनट देखे गए अगर 18 मिनट देखे गए हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं आप चैनल में इज़्ज़त दिए जाएंगे 11 मिनट अगर देखे गए हैं या 10 मिनट देखे गए हैं तो आपको बहुत ही जलील नज़रों से देखा जाएगा बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो ये टाइम स्पेंड है ये अब इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं थैंक यू संजय सर आई वुड लाइक टू टेक इट टू यू जब आप साया डायरेक्ट कर रहे थे तब ये सब नहीं था और फिर भी ऑडियंस हुक्ड थी ऑडियंस देख रही थी और इतना देख रही थी कि अगर अभी यूट्यूब पे साया अवेलेबल नहीं है बट अगर कुछ क्लिप्स भी अवेलेबल हैं, वो सीन्स लोग जाके जाके देखना चाहते हैं तो एक टाइम था जब बिना ये सारे स्टैटिस्टिक्स के हम लिख पा रहे थे

असली मुद्दे पे मैं बात करना चाहूंगा एक्चुअली उसके पहले मैं थोड़ा सा ये जब मैंने देखा यहाँ पे ये लिखा हुआ है इतना प्रोमिनेंटली टाइम स्पेंड का जाल तो इट्स स्लाइटली शॉकिंग ऑल्सो थोड़ा दुख भी होता है यू नो किसी भी स्टोरी राइटर के लिए एंगेज करना एक बहुत बड़ी बात होती है आप कहानी कहते ही इसलिए हैं कि आप लोगों को एंगेज कर पाए कोई भी राइटर कोई भी क्रिएटिव आदमी कोई भी अपने प्रोसेस में किसी Uh, एक ऐसे मीडियम का इस्तेमाल करके जो बहुत एक्सपेंसिव है आप इसीलिए उसमें पैशनेटली इन्वॉल्व होते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आप सामने वाले को एंगेज कर सकें एंड दिस एंगेजमेंट इज़ नथिंग मोर देन व्हाट टाइम स्पेंट इज अगर ये हमारे लिए जाल बन गया है ओके okay, तो ये थोड़ा सा दुख की बात भी है और खुशी की बात यह है कि हम इतने बड़े फोरम पे इस देश का सबसे बड़ा राइटर्स एसोसिएशन इस बात की चर्चा कर रहा है अगर हम चर्चा नहीं कर रहे होते तो मुझे और ज्यादा दुख होता तो ये अच्छी बात है कि हम उस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है मैं साया वाले मुद्दे पे आता हूं पर उसके पहले थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड जैसे जमाने बताया कि आप एंगेज तो करते हैं लोगों को यू नो और ये पूरे प्रोसेस को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनी अदर साइंस टी आर पी बाय सेल्फ इज अंस दैट यू एक्सेप्ट कोई भी प्रोफेशनल टेलीविजन में जो काम करता है उस इस साइंस को एक्सेप्ट करता है और वो बाकायदा उस साइंस के लिए काम करता है बट प्रॉब्लम यह होता है कि ये साइंस को जब हम हमारे कुछ Uh, यार दोस्त जो अलग अलग जगह पे बैठे होते हैं चैनल में जरूरी नहीं कि चैनल में ही बैठे हों बट दूसरे जगहों में भी होते हैं जब इस साइंस को इवेल्युएट करते हैं ना ये इसका जो प्रोसेस हम जब इवेलुएट करते हैं और इसको हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि साइंस बाय इट्सल्फ इज़ नेवर स्टैगनेंट साइंस ग्रो कर रहा होता है तो टी रेटिंग का जो साइंस है वो एक इंटरेस्टिंग साइंस है और वो ग्रो करता है और वो ग्रो कर रहा है मैं मतलब आई बीन इन्वॉल्व सिंस 1985-86 तमस जैसा शो जो मेरे गुरु गोविंद नेहलानी जिनके साथ मैं काम करता था सात आठ साल फिर उड़ान कविता चौधरी के साथ जो मैंने किया तो उस वक्त भी रेटिंग्स थी एक उसका अलग ये होता था लेकिन एक रेटिंग आता था वो आई का ही था लेकिन था लेकिन कभी एज ए क्रिएटिव पर्सन वो हम लोगों को कभी वो परेशान नहीं किया और आज पिछले तीस सालों में अगर आप देखें तो अगर आप हिंदुस्तान के दस बड़े शोज़ लें टेलीविजन के तो उसमें आज भी ये दो शोज़ के नाम आएंगे मेरी खुशनसीबी है कि मैं उन शोज के साथ जुड़ा हुआ था तो वॉट इज़ इट कि जिसमें हम लोगों ने उस साइंस पे चर्चा नहीं किया उस साइंस को लेके हम एज ए क्रिएटिव पीपल परेशान नहीं हुए लेकिन आज तीस साल के बावजूद आप उन दो शोज़ को याद रखते हैं वो था स्टोरी टेलिंग एंड आर कन्विक्शन इन दैट स्टोरी टेलिंग दैट समवेयर हैज गॉट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ दिस द प्रेशर दैट दी सो कॉल्ड यू नो पीपल दैट प्रेशर दे पुट ऑन यू अपने इंटरप्रिटेशन से इस साइंस की दो दो क्वालिटीज है एक है इसके uh, दो नेचर है सॉरी एक है इसका क्वान्टिटेटिव नेचर Okay, जो आपको नंबर्स मिलते हैं जो हफ्ते दर हफ्ते आपको इसके नंबर्स मिलते हैं वो नंबर्स बहुत क्लियर है डेटा के हिसाब से वो नंबर्स आपको ब्रेक डाउन करके आपको समझा दिया जाता है कि ये ये चीजों का नंबर नंबर है उस के बेसिस पे आप आपके अगले हफ्ते की राइटिंग पे प्लान करते हैं और ये नंबर्स पिछले हफ्ते का आया हुआ होता है तो बीच वाले हफ्ते का क्या होगा आपको परपेचुअली आप लिंबो में रहते हैं क्योंकि उसका तो काम हो चुका है आप अगले हफ्ते की कर रहे हैं और जब तो आने वाले हफ्ते की रेटिंग आएगी वो पिछले हफ्ते की रेटिंग आएगी जिस पे काम हो चुका है जो टेली uh, हो चुका है सो यू आर ऑलवेज यू नो रनिंग बिहाइंड द मॉन्स्टर यू आर नॉट रियली एबल टू कैच द टाइगर यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड इट ओके तो वो साइंस को इवेल्युएट ऐसे तो नहीं किया जा सकता दिस इज अ वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम विथ अंडरस्टैंडिंग दिस साइंस नाउ कमिंग टू साया विच यूज टू डू यू नो ऐसा नहीं था कि तब भी मतलब ये साया कुछ दोस्तों को बता दू कि साया वॉज अ शो इन 1997 एंड इट रैन अप टू 2000 टिल 2000 तो चार साल वो शो रन किया इट्स इंटरेस्टिंग टू नोटिस कि जब उसके पहले वीक का रेटिंग आया तो बहुत बुरा था सेकेंड वीक उससे भी बुरा था थर्ड वीक वॉज एवरेज एंड देन वी वेर कॉल टू द चैनल वी वेर कॉल टू द चैनल चैनल में उस वक्त रवीना राज कोहली हुआ करती थी सो वी न्यू तीन वीक्स की रेटिंग थी और यू नो रेटिंग्स वेर नॉट रियली इम्प्रेसिव एंड वी न्यू कि क्या होगा एक चैनल आपको क्या बोलेगा इसका एक अंदाज़ा तो था ही तो रवीना से मिलने गए रवीना, रवीना कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया गया एंड uh, थोड़ी देर बाद पिज्ज़ा आया और कुछ चीज़ें आई एंड देन रवीना आई And she said, I have called you people only to say this ki don't worry about the numbers. I have seen the show. It's a fantastic show. Just keep doing the good work and believe in what you're doing. I'm telling you, till date, nothing has inspired me more than those few words. She didn't say anything creative. Wow. She didn't say anything creative. But that inspiration, or believe you me, not that we did anything remarkably different after that, but the ratings grew and the show last four years, you know. So this is what happens when people, हमारे पास और कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारा conviction होता. As writers, एक हम बहुत सारे stories से गुजरने के बाद कोई thought हमको पसंद आता है, जिसका expanse हमको दिखता है, जैसे प्रीति ने कहा कि it's a it's a very difficult form of writing. उसका potential आपको नजर आता है उसमें. तब जाके आप उसको चैनल को पिच करते हैं तब जा, जाके आप उसको, आपको लगता है कि इस पर कुछ चीजें बनेगी बात होगी और दो वीक्स की रेटिंग आते आते आपका जो फंडामेंटल एलाई है जो फंडामेंटल आपका कोर स्ट्रेंथ है आपका कन्विक्शन वो अगर आपसे कोई छीन लेना तो वो शो की रेटिंग जिंदगी में नहीं आती और आप देख लीजिए जमा भाई इन्वॉल्व है एक, 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 एक प्रोसेस में कुछ शो के साथ उस शो का राइटर उस शो का राइटर तो खैर जमा भाई टीम के शुरुआत उन्होंने किया और जमा भाई के अपने शोज प्लस एकता के शोज ले लीजिए हम लेट्स नॉट सिट ऑन जजिंग एनी शो बट आई एम जस्ट सेइंग कि हाउ कन्विक्शन वर्क्स आपका कन्विक्शन है ना उस कन्विक्शन पे किसी और का कोई हक नहीं है वो आपका कन्विक्शन है आपको अपने हिसाब से उसको आप कोलेबरेट कोलेबरेशन इज द वे दिस प्रोसेस वर्क्स वो तो गिवन है But at least everybody is seeing that conviction. everybody is jointly working on that, and it is not getting impacted because of some numbers. That is when you see the success happens. everybody gets success because of that. So this is how I think time spent is something that is that we believe we all writers take it upon ourselves engage taking a little extra मेरी छोटी बच्ची जब बच्ची छोटी थी जब मैं उसको कहानी सुनाता था तो शर्त ये होती थी कि पहले वो कोई कहानी सुनाएगी और हम सोते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट घर से उठा लेते थे कि ये आज पंखे पे बताओ आज ये जो एक तस्वीर है उस पर बताओ आज पिलो पे बताओ उस वो पॉइंट पे कहानी बतानी है तो शी वुड टेल अ स्टोरी एंड देन आई हैड टू टेल अ स्टोरी ऑन एनीथिंग दैट शी वुड पिक पिकअप फॉर मी मेरे लिए चैलेंज ये होता था कि अगर मैं कहानी बताऊं और बताते बताते ये सो जाए देन आई हैव फेल्ड यू नो अगर वो जगी रहे और फिर वो बोले कि डैडी वन मोर स्टोरी देन आई वुड हैव फेल्ट कि चलो ठीक है यू नो यून देन यू हैव गुड देट इज एसेंशियली वॉट यू नो एंड नो बडी बेटर चाइल्ड स्लीपी चाइल्ड To kind of grab their attention for about some time to tell a story, so that is yeah, but to then me, you told your story, you were not being uh, told, exactly, <laughs> conviction. It's all about <laughs> telling <laughs> your <laughs> own story and conviction, yeah, yeah. Telling it with that. Uh, I'll just uh, want Zama sir uh, to weigh in here, to so, sir. Uh, सब ने बोला कि राइटर उसका कन्विक्शन है या मेकर है एकता कपूर उनका कन्विक्शन है और एक बंदा भी ऐसे बोल देता है कि यार ये कहानी है मेरा विजन है हम लिखेंगे और ये चलेगा क्या राइटर्स अपने कन्विक्शन से कहानी कह ही सकते हैं या राइटर्स को प्रोड्यूस आज के टाइम में जब तक राइटर प्रोड्यूसर्स के मिडिलमैन को ना हटा ले खुद प्रोड्यूसर ना बन जाए शायद वो अपनी कहानी अपने तरीके से नहीं कह पाएगा इज इज दिस वेयर वी आर मूविंग टूवर्ड्स बिकॉज मैनी ऑफ द सीनियर राइटर्स आर टर्निंग इन टू प्रोड्यूसर्स सो इज इज दिस वॉट इट इज टेकिंग नाउ अच्छा मैं प्रोड्यूसर बन गया हूँ तो इसलिए टारगेट कर रही हो मुझे okay. uh, नहीं होता क्या है कि जैसे मैंने शुरू में काम किया और दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए किया ऑब्वियसली आई वॉज लकी कि मुझे अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले आई वॉज़ लकी कि मुझे वो प्रोड्यूसर्स मिले जो मेरे कन्विक्शन में उनका कन्विक्शन था और उस वजह से मैं अच्छा काम कर पाया फिर धीरे धीरे होता है कि आप जब सक्सेसफुल होने लगते हैं तो बहुत सारे दूसरे प्रोड्यूसर्स भी आपको बुलाने लगते हैं मेरे लिए कीजिए मेरे लिए कीजिए अच्छा वो जब आपको बुलाते हैं तो आपके पिछले बहुत अच्छे काम को देख के बुलाते हैं और फिर वो अपने जैसा कुछ करवाना चाहते हैं तो मुझे अफसोस होता है कि फिर आपने बुलाया क्यों तो वहाँ से एक डिस्कनेक्ट हो गया उसके बाद एक फेज आया जहाँ पे मैं ऐसी कहानियाँ कहना चाह रहा था जो उस वक्त नहीं आ रहे थे और एक एक, एक, एक ख़ास किस्म का एक, एक माहौल बना हुआ था मैं जैसे 2010 की बात करूं अगर कि हाँ अब एकदम हाई ड्रामा और ये सब चल रहा है और इमोशनल या स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी नहीं आ रही है तो उस वक्त मुझे ये मालूम था जो मैंने और रवि ने एक शो किया ससुराल के अंदर भूल तो मुझे ये मालूम हम लोगों को ये मालूम था कि ये कहानी दूसरा कोई प्रोड्यूसर लेगा नहीं कि अरे ये कहाँ से वो प्रोड्यूसर नहीं लेगा या वो जाएगा चैनल में तो चैनल वाले भी हो सकता नहीं लें वी वेर लकी की चैनल ने हमें ऑफर किया कि आप बनाइए और हमने वहाँ से अपना प्रोडक्शन ले लिया बिकॉज एक चीज़ थी कि अगर ये हम किसी के लिए भी बनाएंगे ये हर एपिसोड में ये जरूर हमें बताएंगे कि नहीं नहीं ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा है ये तो यही नहीं हो रहा है इसमें तो ये नहीं होगा और हाँ नॉट वर्किंग तो उस वजह से हम प्रोड्यूसर बने तो यस yes, अगर आप लकी हैं अगर आपका प्रोड्यूसर वैसा है जो आपके कन्विक्शन में बिलीव करता हो देन फाइन अदरवाइज यस उस ब्रोकर को हटाना पड़ेगा आपको आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बिकॉज इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है प्रोड्यूसर के साथ कि आपसे अपने अपने से लिखवाते हैं फिर वो वो चैनल पे जाके या तो अगर वो अपने में स्टैंड बाई जाके वो उस चीज के लिए लड़ जाए वो वहां पे जैसे ही चैनल का फीडबैक आएगा वो आपकी तरफ पलट के बोलेंगे इसको ठीक करो ना वो लिफ्ट से नीचे नीचे आते तक बोलेंगे तो रात तक भेजोगे ना वर्जन भेज दोगे ना और वो चार दिन आपसे काम करवा चुका है अपने पे वो आपके तीन वर्जन करवा चुका है तो मुझे यही काम करवा ले जो लिखो चैनल पे पहुंचा देना चैनल जो बोले आप लोग देख लो मैं सिर्फ प्रोड्यूस करता हूँ आई डोंट काइंड ऑफ प्रोड्यूस अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात हाँ। ये है जब चैनल फीडबैक बता रहा होगा हाँ। तो प्रोड्यूसर इंटरव्यून भी नहीं करेगा नहीं करता तुम्हारी तरफ देख के बोलेगा हाँ क्या नहीं नहीं, नहीं मैं मैं एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर बहुत सीनियर हैं और मैं नाम नहीं लूंगा हमारे साथ होता क्या था कि हम चार दिन वो करके और वो कहती थी कि बेटा ये तो वक ही नहीं कर रहा है बेटा ये तो वक ही नहीं कर रहा है आ, मैं समझ गया हाँ <laughs> हाँ हा, तो वो हो गया उस बार जब चैनल पे जाके सुनाया चैनल ने कुछ कहा कि नो अच्छा पूरा लिखवा लिया अपना वर्जन उसके बाद चैनल ने जैसे कहा इट्स नॉट वर्किंग बेटा कुछ सोच के लिखा करो क्यों बेइज्जत करवा रहे हो एंड आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ और थर्ड मीटिंग के में मैं वो जो वो बताते कि बेटा रिवाइज करना मैंने लिफ्ट से उतरते हुए कहा कि आप अपने घर जाओ अपना रिवाइज करो और भेज दो मैं चला थैंक यू गुड बाय तो ये है एक प्रॉब्लम सर कल के सेशन में जावेद सर ने भी ये बात कही थी आपने वो बात सुबह भी दोहराई थी कि अगर अपनी कहानियाँ कहनी है तो हाँ सुनने से पहले खुद ना बोलना भी सीखना है तो ऑन दैट नोट आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टू बोथ ऑफ यू कि uh, ना बोलना कभी कभी इम्पेटिव हो जाता है मतलब अब तो हद हो गई अब तो ना बोलना ही पड़ेगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट ट्राइंग कि यार अभी शो शुरू हुआ है अभी लिखना शुरू किया लेट्स ट्राई एंड मेक इट अ कोलैबोरेटिव वर्क तो ऐसा कौन सा टाइम आता है जब आपको ना बोलना ही पड़ता है एंड इफ देर इज अ रीजन यू कीप सेइंग येस व्हाट इज दैट रीजन अदर देन मनी सो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन टू बिकॉज मैंने मैं शायद जितने भी राइटर्स इस ऑडिटोरियम में होंगे टीवी राइटर्स उनसे सबसे काम मैं कम काम मैं करती हूँ क्योंकि मैं ना ज़्यादा बोलती हूँ हाँ कम बोलती हूँ तो आई थिंक सी इट्स नॉट अबाउट ना बोलना ज़रूरी है इट इज़ अबाउट आई थिंक बींग एबल टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस इन अ वेरी क्लियर मैनर कि भाई अगर जैसे मैं मुझे मैंने भी जैसे जमा भाई ने कहा कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है और आई uh, थिंक मेरा हमेशा ये रहता था कि या तो आप मुझे कन्विंस कर लीजिए या मैं आपको कन्विंस करती हूँ बट प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जबकि जैसा वो कह रहे थे चैनल में जाके द प्रोड्यूसर इज नॉट स्टैंडिंग बाई यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैन यू फील कि आई द यू टेक ओनर्स और द चैनल टेक्स ओनर्स और आई टेक ओनर्स सब सब लोग लाइक आई सेड अर्लियर कि वो सबका बच्चा नहीं हो सकता ना अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो मेरे डैड की दुल्हन हम लिख रहे थे एंड इनफैक्ट आई मस्ट मेंशन दिस दानिश ने एक बार ये कहा कि शुरू में हमारी भी टीआरपी अच्छी नहीं आई थी और उसने सो वी वेंट फॉर अ मीटिंग और उसने कहा कि डोंट वरी अबाउट नंबर्स अपने कन्विक्शन से करो इट वॉज एन टुडे इन दिस एन एज तो तीन साल पुराना ढाई साल पुराना शो है इन दिस डे एन एज फॉर अ चैनल पर्सन टू से दैट इज अग थिंग तो पर वहाँ तक पहुँचना और वो ट्रस्ट गेन करना प्रोड्यूसर से भी और चैनल से भी बहुत आसान नहीं है इट्स 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 वेरी डिफिकल्ट वी हैव टू से अ लॉट ऑफ नोज टू टू गेट टू दैट पॉइंट जहाँ आप एक यू नो कम्युनिकेट कर सको कि भाई दिस इज़ वाई आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज इफ़ आई एम द क्रिएटर एंड योर कॉलिंग मी एज़ अ क्रिएटर अगर आपको जो आपको करना है वही करवाना है तो आप डिक्टेशन दे दीजिए ना वो तो कोई भी लिख देगा यू गिव अ डिक्टेशन यू राइट वो चैनल को अगर वही करवाना है जो उन्हें करना है तो देन दे हैव हैव दिस इज दे इन हाउस राइटर्स आल्सो बाय द वे सो उनसे लिखवाइए मुझे क्यों आप पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे पर अगर आप मुझे बुला रहे हो तो लेट माय ब्रेन अर्न दैट मनी ना लेट माई आइडियाज ऑल्सो बी देयर फॉर यू टू यूज आफ्टर ऑल यूर पेइंग मी फॉर माई आइडियाज एंड देन यू आर कि आप सोचो मत तो दैट दैट डजन रियली वर्क मैं इसमें स्वेच्छा एक चीज़ दानिश की चूंकि बात आई है तो वही एक जो चैनल की तरफ से जब आपका किसी का सपोर्ट उस तरह से आता है ना जो हमें ससुराल के अंदर फूल में उदय उदय शंकर की तरफ से सपोर्ट आया एंड वी कुड मेक अ गुड शो विच वी आर प्राउड ऑफ मैं अगेन दानिश की बात करता हूँ कि मैंने एक शो किया था वी मेट एन ही सेट की कोई शो लाओ ना मैंने कहा अरे कुछ नहीं है बोले जो नहीं बना जो कोई नहीं बना रहा वो मुझे दे दो मैंने कहा वो कि एक शो काफ़ी दिन से मेरे पास पाँच सात साल से पड़ा हुआ था कॉन्सेप्ट uh, मैंने कहा ये है बोले लेट्स टू देन आई सेड कि ये हंड्रेड एपिसोड का ही है ये कोई चार सौ एपिसोड नहीं बन सकता एनी सेट कि हाँ हमारा हंड्रेड पे तो बंद भी हो जाता है hmm. <laughs> तो तो ठीक है ये बड़ा अच्छा है तो मैं uh, ये क्या फिर फर्स्ट एपिसोड लिखते हुए मैंने थोड़ा ये क्या कि यार ये बड़ा सॉफ्ट स्टोरी है तो उसमें एक दो जगह मैंने थोड़ा ड्रामेटिक किया ये किया बोले नहीं सर आप फिर मीटिंग हुई एन से सर वो जो पहले जो सुनाया था ना वो एपिसोड ज़्यादा अच्छा था इसको किसी और से लिखवा दिया क्या मैंने कहा नहीं मैंने थोड़ा डाला है थोड़ा तो ऑडियंस को ग्रैब करना ये करना है फ्लॉप हो जाएगा ये बोले पैसे मैं के और इंडियन आइडल से कमा लूँगा ना आप इससे बन आप जिस तरह से बनाना चाह रहे हो बनाओ ये कॉन्फिडेंस ये जो देना होता है ना

और वो भी बंद हुआ जब पैंडेमिक आया जो अचानक बंद हो गया तो फिर हम लोगों ने कहा, छोड़ो कहानी भी वैसे ही हम वो नहीं है बंद ही कर दो सो इट वेंट ऑन बट मैं रियली really अप्रिशिएट करता हूँ कि एक चैनल हेड जब बोलता है कि नहीं आप अपनी मर्जी से बनाओ और वो कन्विक्शन में लास्ट तक रहता है वो कहीं अब नहीं मिल रहा है इसलिए ये जाल जो है आ, ये है हाँ, आ। बट जितनी भी मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और ये मुझे कई बार कई रूम्स में लगा है कि जो सीनियर राइटर्स हैं एक तो चैनल वाले बुलाते उन्हीं को है कि मतलब ये है आप आप आइए आप करिए फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स भी आप ही को अप्रोच करेंगे और जो नए राइटर्स होते हैं उनको तो मतलब अभी लग रहा है कि काम ही मिल जाए फिर अगर हम काम मिलने में इतना हम उस चीज़ से दबे होते ऑलरेडी हो, कि काम मिल जाए यार काम मिलना शुरू हो गया या लेकिन टेलीविजन में क्रेडिट तो देर से आएगा विल हैव टू अर्न अ क्रेडिट काम कर रहे हैं क्रेडिट अर्न करना है फिर हम उधर तक अपनी रेस लगाते हैं तो जब तक हम वहां पहुंचते हैं ना कि नाम भी आ रहा है दाम भी मिल रहा है तब तक इतने हिल चुके होते हैं कि नए राइटर्स जो अब अब अपने आप को राइटर बोलने लगे टीवी का वो ना बोलने से अब कतराते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है कि हमें नाम भी मिल रहा है और काम भी मिल रहा है अब ना बोलेंगे तो ये छिन जाएगा क्योंकि हमारे से नीचे वो भी 10 और तैयार है टू टेक अप द प्लेस दैट वी अर्न आफ्टर सो मच ऑफ अ स्ट्रगल सो ऑन दैट सर डू यू थिंक अ मिड लेवल राइटर हु इज नॉट एज सीनियर एज यू गाइस कैन दे आल्सो से नो टू प्रोजेक्ट्स यार बात तो ऐसी है ना कि ना तो बोलना पड़ेगा <laughs> अगर ना बोलना नहीं सीखोगे तो सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट भांड बन के रह जाओगे जो नचाएगा आप वैसे नाचोगे सो एनी विचवेज द पॉइंट इज दैट ना तो बोलना पड़ेगा मतलब बेसिकली uh, बिना ना बोले आई डोंट थिंक कोई और रास्ता है अब वो आपके ऊपर होता है कि आपको खुद पर कितना कन्विक्शन है आपकी स्टोरी टेलिंग पे कितना कन्विक्शन है और आप कितना ये बात जानते हो कि यार काम मिल जाएगा मुझे लगता है कि काम की कमी नहीं है मतलब ठीक है यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ पीपल एंड एंड दे आर देयर एक्चुअली मतलब जिनके साथ आपका वेवलेंथ मिलेगा लेकिन अगर आप ना नहीं बोलेंगे ना तो होगा क्या कि कुछ सालों बाद आपको ये रियलाइज होगा जब मान लो आपको एक एक ऐसा मौका मिला जहां पे आप बोलिए आप कीजिए आप एक कहानी बताइए

अभी हम सब uh, मैं प्रीति फैजल यस वी आर सक्सेसफुल राइटर्स एंड वी हैव बीन राइटिंग फॉर मेनी इयर्स नाउ तो ठीक है हम लोगों को बुलाया जाता है बट हम तीनों भी उस दौर से गुजरे हैं जब हमें नहीं बुलाया जाता था जब हमने बिल्कुल, बिल्कुल। शुरू किया था मैं वहाँ पे चलता हूँ कि ये आदत कोई आज नहीं हमने घर खरीदने लेने के बाद ये आदत डेवलप नहीं की है कि अब से ना बोलूंगा हमने ना बोलना वहीं से शुरू किया था इसलिए हम आज तक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं विदाई लिख रहा था एंड दैट वॉज माई फर्स्ट पोस्ट डेली सोप सिनेरियो दैट वॉज माई फर्स्ट सक्सेसफुल शो एंड इट वॉज ह्यूज सक्सेस और किसी एपिसोड पे एक कहानी के जंक्शन पे मैं चैनल से ये हो गया कि नहीं ये नहीं बदलूंगा मैं और उसी जमाने में मैं राजन शाही के साथ ही वृंदावन गया हुआ था दूसरे शो के रेखी के लिए भाई द वे उस टाइम में उतनी इज्जत राइटर की थी कि रेखी के लिए भी जाते थे हाँ और प्रोड्यूसर के साथ ठीक है वो भी खो दिया हाँ हाँ बोल के ना बोलते तो जाते तो मैं वहाँ बैठा हुआ और एक ढाबे पे हम लोग कुछ नाश्ता वाश्ता कर रहे थे और चैनल का उधर से फोन आता है कि नहीं दिस हैज टू बी चेंज एंड ब्ला ब्ला जो भी मतलब जिस तरह से भी आया एंड थोड़ा रूडली बोला एंड मैं राजन शाही के साथ बैठा हुआ वो प्रोड्यूसर मेरे उस शो के और ही नोज के आई एम टॉकिंग टू द चैनल फॉर द सेम शो और मैं बोलता हूं कि ओके ठीक okay, है मैं ऐसे नहीं करता हूँ फाइन राइटर एंड ही वो ऐसा करके नहीं बोल रहा अरे क्या बोल रहे हो हाँ ही वॉज लाफिंग गुड उसके बाद वो बहुत बड़ा बवाल हो गया फिर मुझे चैनल हेड से मेल आया ही कॉल्ड अप राजन जी ही सेट कि हाँ uh, उसको नहीं पसंद है ये, ये चेंज करना सो एंड ही इज रेडी टू लीव सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? लेट अस फाइंड अनदर राइटर देन ही गॉट टू नो चैनल हेड कि ओके क्या प्रॉब्लम है देन आई रीजनड आउट कि मेरा ये है ये मैं चाहता हूँ एंड सेट लेट्स गो हेड सो so, मैं प्रोड्यूसर के बगल में बैठा हुआ उन्हीं के शो के लिए मैं मना कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं और साथ में हम खा रहे हैं और दैट वाज माय फर्स्ट सक्सेसफुल शो अगर मैं उस हिसाब से ह्यूज सक्सेस की बात करूं तो मैं उसको ग्रैब करना चाहता था अपने एग्जिस्टेंस के लिए भी लेकिन नहीं एब्सोल्यूटली yeah, absolutely. oh. चीज मैं भी एड करना चाहूंगी किसी आप नए राइटर्स की बात कर रहे हो यूथ हैज दी एडवांटेज ऑफ आइडियलिज्म Absolutely. मतलब बड़े होके तो हम थोड़ा पक जाते हैं थोड़ा में आ जाते हैं, थोड़ा हैं, हैं लगता है यार अब चलने दो, मिले दो मिले ना लो जैसा कह रहे आप उस वक्त तो आपको लड़ना चाहिए जिसपे आप बिलीव करते हो तभी भी नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे तो होते हैं exactly. हाँ, आप इसके ऊपर मैं मतलब एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ मतलब ना ना बोलने के इस पे एंड आई थिंक स्वेच्छा रिमेम्बर्स दैट किस्सा वेरी बिग प्रोड्यूसर आई विल नॉट टेक नेम वन ऑफ द बिगेस्ट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड सो अच्छा अभी ही और शी में मैं शी बोलूंगा तो और भी समझ जाएंगे इतना इतना डिस्क्लेमर <laughs> देंगे तो सब यही सोचोगे कौन, कौन है कौन है कोई सुन नहीं सो <laughs> <हुआ which> <laughs> आई आई एम सो श्योर मतलब सारे प्रोड्यूसर्स अपनी कहानियाँ भी कहना चाहते हैं मतलब वो तो वो उस राइटर को जैसे आप कह रहे थे चाहते कि तुम ये लिख दो तो एक दिन गुज़रा दो दिन गुज़रा बात यहाँ तक पहुँची कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है वो जो वो शो है ना उसका वो वाला एपिसोड निकालो इसको दो वो लिख दो मैं मैंने बहुत धीरे से बोला मैंने कहा कि मैम आई डोंट थिंक यू नीड अ राइटर आई थिंक यू नीड अ टाइपिस्ट सो आई डोंट यू गेट वन बेसिकली ऑब्वियसली बहुत हंगामा हुआ कि इतनी सी बात पे बट आई वॉक आउट फ्रॉम देयर बट यू हैव टू से अ नो एंड यू हैव टू बिकॉज इफ यू लाइक व्हाट प्रीति सेज यही उमर है मतलब करने की यू you नो no like you know, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा इवन व्हेन यू टेक अप द वर्क देन आल्सो यू हैव टू कंटिन्यू टू फाइट इन आई डोंट थिंक आई फॉट मोर बैटल्स देन आई फॉट इन जस्सी विद माय प्रोड्यूसर दो दो बजे रात को हमारे फ़ोन पे आर्ग्यूमेंट होता था नहीं मैं ये नहीं लिखूंगी नहीं नहीं ये ही लिखो आई बिलीव इन दिस आई बिलीव टू बैंक द फोन ऑन ईच अदर नेक्स्ट मॉर्निंग देन कॉल इच अदर अगेन एंड टॉक दिया से मेरी इतनी लड़ाई हुई बट यू हैव टू नहीं तो इफ़ यू डोंट बिलीव इन एनी थिंग स्ट्रांगली आई डोंट थिंक यू कैन बी राइटर हुज कन्विक्शन दैट हींग अबाउट ये सर सर तो सिंस यू हैव वर्क इन चैनल एंड अक्रॉस द पैनल सबने बोला है कि चैनल की बैकिंग बहुत मायने रखती है और इनफैक्ट आपके टाइम पे ऐसे शोज आए हैं जिन्होंने ना सिर्फ नए राइटर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी बल्कि नए डायरेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी आज वो सेलिब्रेटेड फिल्म डायरेक्टर्स बन चुके हैं बट आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी बींग प्रजेंटेड नाउ अ डेज़ इन टेलीविजन

Try and get ट्राइ एन गेट इट बैक टू दर इशू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विच इज यू नो की टाइम स्पेंड हाउ डू यू डील टाइम स्पेंट और इसकी जरूरत है जैसा हम सब मानते हैं okay? तो कहाँ किसके साथ किसका ईगो कहाँ क्या क्लैश हो रहा है कौन इसको ज्यादा बेहतर समझ पा रहा है अगर वो हमसे ज्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं uh, मेरा कहने का मतलब है अगर चैनल वाले हमसे ज्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं तो क्यों नहीं उनकी सक्सेस के बैक पे या उनके अंडरस्टैंडिंग के बैक पे कोई शो इतना जरा सक्सेसफुल हुआ पिछले दस पंद्रह सालों में अगर आप देखें कोई भी शो टू शोज वो भी ऐसे शो जो प्रोड्यूसर के अपने कन्विक्शन पे राइटर्स के अपने कन्विक्शन पे ही सक्सेसफुल हुए जिनको मैं जानता हूं बट अदरवाइज चैनल के कन्विक्शन पे या चैनल के इंटरवेंशन पे कोई शो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसमें मुझे फंडामेंटली जो एक इशू लगता है कि क्यों ऐसा नहीं होता है यू you नो know? और ये मेरा एक्सपीरियंस चैनल में जाने के बाद ही हुआ क्योंकि इस जाल को मैंने आ, बाहर से एज डायरेक्टर भी देखा है एज अ देखा है दूसरे साइड से देखा हाँ दूसरे साइड से भी मैंने इस जाल को देखा है तो मैं आई हैव बीन अ विटनेस टू दिस आई थिंक वन ऑफ द की फैक्टर्स इज व्हेन यू डू द क्वालिटेटिव एनालिसिस तो नंबर क्रंचिंग जब आपकी आ जाती है और नंबर क्रंचिंग के बेसिस पे आप पैनिक करते हैं आपका बिजनेस हेड आपके ऊपर प्रेशर डालता है आप अपने प्रोड्यूसर को इमीडिएटली थर्सडे अगर रेटिंग्स आई सुबह साढ़े नौ दस बजे तक रेटिंग आई आपके बिज़नेस हेड ने ऑफिस में घुसते ही सबसे मीटिंग की और सबको बुरी तरह से लताड़ा कि ये 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 ऐसा क्यों है सबको तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा आप उस मीटिंग से निकले नहीं कि आपने अपने प्रोड्यूसर को फ़ोन किया वो प्रेशर उसके ऊपर डाला प्रोड्यूसर ने इमीडिएटली राइटर को प्रोड्यूस तो ये प्रेशर जो है ना ये कैस्केड करते हुए सबके ऊपर आ जाता है और सबसे ज़्यादा उस आदमी पर आता है जिस का इस पर कोई लेना देना ही नहीं है उसने वही किया जो उसको बोला है करने के लिए ओके एंड एंड ही 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 इज अ अ राइटर हैज हैज नथिंग टू टू डू विद द होल थिंग थिंग नाउ बिल्ड न्यू ऑल ओवर अगेन तो एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस नंबर्स के बेसिस पे तो ये पैनिक हो गया पैनिक के हिसाब से आपका और कन्विक्शन छूट गया और और चीजें बर्बाद होने लगी एंड यू स्टार्ट लूजिंग ऑन योर कन्विक्शन एंड योर टाइम स्पेंड बट जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है एक्चुअली थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग हर चैनल अपने शोज का जब वो शोज नहीं चल रहे हैं या बहुत अच्छा चल रहे हैं या किसी भी वजह से उसका एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं वेन दे डू द्वालिटेटिव एनालिसिस उसके बेसिस पे उनको एक और इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में चैनल की तरफ से कोई नहीं जाता ये एक एजेंसी को दे दिया जाता है एजेंसी दिस इज बेसिकली सम मनी विच इज मेंट फॉर डूइंग दिस एंड वो टिक वो एजेंसी उसके लिए जाती है एजेंसी अपना कुछ रिसर्च करती है गई, क्या हुआ कुछ पता नहीं, एक रिपोर्ट आ जाता है क्योंकि कई बार वो चर्चा जो है ना वो कॉन्ट्रडिक्ट्री होता है ये आने तक और आपने प्रोड्यूसर को जो ब्रीफ दिया है उसमें कॉन्ट्रेडिक्शन है तो अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगे तो आपने जो बोला वो तो गलत होगा तो आप उसको दबा देते हैं वहीं पर यू डों

बना के उसके बेसिस पे अपना फिलोसफी करना और फिर उसको शोज में इंटरप्रेट करना दिस इज दिस इज वेयर दे आर ऑल्सो गोइंग रॉन्ग दे दे नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ नंबर्स पे ओवर रिएक्ट करना और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी स्टोरी विच इज अ गुड एक्सरसाइज और मैं इसमें बहुत गया हूँ बहुत सारे इन सारी मीटिंग्स में मैं गया मेरे लिए चैनल वॉज आई नेवर इमेजिन माई सेल्फ टू बी इन अ चैनल एट द फर्स्ट प्लेस ओके okay. और प्रोग्रामिंग हेड्स की बात चल रही तो मैं एक प्रोग्रामिंग हेड की बात आप लोगों को करूंगा जिसने मुझे रातों रात, रात प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाया प्रोड्यूसर भी बनाया और मैं असिस्टेंट हुआ करता था दो हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी और उसको पता नहीं मेरे पे क्या दया आई और वो देखता था शायद मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था या होगा कुछ पता नहीं शायद ज़्यादा हमसे मुझे आज उस बारे में ज़्यादा पता चले लेकिन ही जस्ट सॉ समथिंग एंड देट जेंटलमैन वॉज अ Programming head of a, a new found company channel, which India was Or and he one day came and he said, uh, "You are directing a show for me. Get me a show." I said, "Great, but I don't have a producer." He said, You produce producer-director or writer too." And that gentleman is sitting with us, and it's Anjum Rajabali.

एंड द होल एक्सपीरियंस और लर्निंग दैट आई सॉ वॉज कि दिस इज वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग आज भी अगर यहाँ बैठे हुए हैं या हमारी बातें और इतने बड़े फोरम पर अगर इस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग इस मुद्दे पर अगर सीरियसली कोई फ्रॉड प्रोसेस को अगर इनको करेक्ट करना है सो दे नीड टू करेक्ट दिस थिंग्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टी वी की रेटिंग्स पिछले दस पंद्रह सालों में जिस तरह से गिरी है इनस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आवर पेनेट्रेशन हैज़ इंक्रीज सो मच मतलब इट हैज इनक्रीज एटलीस्ट ओके डेटा हैज बिकम सो इजीली एक्सेसिबल उसके बावजूद टेलीविजन की रेटिंग्स इस तरह से गिरी है कि खाली मीडियोकर लोग जो है ना वो रह गए हैं टेलीविजन में अपनी अपनी मजबूरी की वजह से बाकी गिवन एन अपॉर्चुनिटी मितेश इज सिटिंग हियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटिंग माइंड्स ओके ही ओकेज बीन पार्ट ऑफ टेलीविजन राइटिंग विद मी बट गिवन गि अपॉर्चुनिटी पीपल मूव अवे पहले इन लोगों ने डायरेक्टर्स को किल कर दिया बहुत सिस्टमेटिकली किल कर दिया क्यों एक आदमी सवाल पूछता है एक आदमी तुम्हारे सवाल को तुम्हारे चीजों को चैलेंज करता है ना बोलता है मैं नहीं करूंगा ओके आपने डायरेक्टर्स को थिंकिंग डायरेक्टर्स को आउट कर दिया थिंकिंग प्रोड्यूसर्स जो अपने स्टैंड लेते थे उनको आउट कर दिया थिंकिंग राइटर्स को जो सवाल करते थे उनको आउट कर दिया कुछ लोगों को रैंडम आपको लगता है कि चलो यार ये अच्छा है इसका ये शो अच्छा गया अभी मुझे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जस्ट लास्ट वीक आई मेट अ राइटर फ्रेंड ऑफ माइंड जिसने मेरा लास्ट शो लिखा था और काफ़ी सक्सेसफुल शो लिखा था और वो दिस इज़ 2000 इन द ईयर 2000 और वो तभी टी वी से आया था एंड ही है डन सम ग्रेट वर्क इन टेलीविजन 18 ओके टी वी एटीन उन दिनों बहुत अच्छा काम करता था और राइटिंग के मामले में दिल्ली से बहुत अच्छा काम होता था सो ही हैट कम देयर एंड ही रोट माई शो एंड फिनल शो वेरी गुड शो तो मुझे कॉफ़ी शॉप में मिला तो मैंने पूछा क्या कर रहा है बोला सर दिहाड़ी कर रहा हूँ नो दिस वॉज शॉकिंग टू मी यू नो लाइक यू वर्ड यू यूज वर्ड्स लाइक जाल यू you नो know, ये वैसा ही मुझे शॉकिंग था कि ये क्या बोल रहा है दिहाड़ी कर रहा हूँ बोला हाँ सर वो एपिसोड अभी भेज दूंगा तो मैंने कहा तू एपिसोड लिख रहा है और कितना मतलब बोला सर तीन शो लिखता हूँ और एक एपिसोड को मुझे एक दिन लगता है तो बोला अभी एक दिन लगेगा बोला नहीं अभी तो मैं दो घंटे में करके भेज दूंगा तो फिर बोला फिर वहाँ से फीडबैक आ जाएगा फिर मैं फीडबैक पढ़ के फीडबैक के हिसाब से करेक्शन करके फिर भेज दूंगा और फिर बोला फिर एक बार और शायद कुछ करेक्शन्स आएगा फिर वो करेक्शन करके वो आज रात तक चला जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा नाउ दिस गाय सच अ ब्रिलियंट राइटर और उसका मैं एज अ डायरेक्टर अगर एक दो लाइनें बदल भी देता ना शूटिंग करते टाइम पे तो वो ऑफेंड हो जाता था सल्क करता था दिस गाय हैज नो प्रॉब्लम्स दिस इज व्हाट वी हैव डन टू आर राइटर्स दिस इज हाउ वी हैव सिस्टमैटिकली किल्ड थिंकिंग पीपल या तो आप जुड़े हुए हैं जुड़ा हुआ भी किस लिए मैं आपको बताता हूँ और ये बताना जरूरी है क्योंकि ये हम सभी के साथ हो सकता है उसको आपने रातों रात प्रोड्यूसर बना दिया आज से पांच साल पहले रातों ने प्रोड्यूसर बना दिया जब बंबई में आया था कुछ नहीं था उसने मेरे सामने अपना एक घर खरीदा वन के खरीदा या वन रूम किचन खरीदा फिर सक्सेसफुल राइटर हुआ तो एक टू बी एच के खरीदा आज आपने उसको बैठा के पूरे एक प्रोड्यूसर थिंकिंग प्रोड्यूसर फेटर्निटी को आपको उससे चर्चा नहीं करनी है, इस राइटर को आपने प्रोड्यूसर बना दिया अच्छी बात है ठीक है राइटर बेचारा लोन लेता है बैंक जाता है उसको बैंक से पैसे उठाता है वो सारा सब कुछ करके वो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है और वो शो बनाता है तीन महीने में वो शो बंद कर दिया ही वो क्यों ऐसा कर रहा है जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके ऊपर तीन करोड़ रुपए का लोन है ओके ही है राइटर आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम But उसने अपना एक घर बेच दिया आई नो व इट टेक्स फॉर समबडी टू कम एम टी एंड बिल्ड वो दिन के तीन शोज लिख के इस तरह से वो कर रहा है। तो आपका वो कभी ना बोलेगा कभी ना नहीं बोल पाएगा उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है उसने अपने अंदर के उस राइटर को मार दिया आई थिंक वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग इन हैंडलिंग टैलेंट टैलेंट की कमी नहीं है टैलेंट बहुत है आपको टैलेंट को ग्रूम करने आना चाहिए आपको यू यू नो अनलेस रियली नर्चर टैलेंट एंड हैव लिटिल पेशेंस कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि यह चीज अच्छी है इसका कोर फलक्रम में जो थॉट था वो अच्छा है ये जाके एक अच्छा शो बन सकता है गिव इट टाइम इट विल डेफिनेटली ग्रो कुमकुम जैसा शो जो पिछले uh, मतलब जब फ्टरनून का स्लॉट लीडर था और प्रेबली सोप दैट मितेश एंड आई वी टुगेदर मितेशन फैजल पॉइंट ऑफ टाइम तो वो शो सात आठ साल चला ओके लेकिन उसके शुरू के तीस चालीस एपिसोड तक उसकी रेटिंग नहीं आ रही थी बट यू हैव टू सस्टेन यूर सेल्फ यू हैव टू गिव इट दैट चांस यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट यू नो एंड देन ग्रेजुअली इट डज इट शोज

शरद इज नॉट हेयर उस मीटिंग में शरद मैं और जो चैनल की एग्जीक्यूटिव थी वो थी वी वेरिंग समथिंग ओके और वो मतलब बिकॉज शी डिट अग्री विथ मी एंड शी सेट की नहीं वो तो ऐसा ही होगा सिटिंग Yeah. And she couldn't believe it. Is exactly, एक तो ये है कि अगर आप पिछले 20 साल में मैं पूरे 20 साल का बता रहा हूँ 20 साल के आप डेली सोप की हिस्ट्री उठा के देख लो ऑल द लॉन्गेस्ट रनिंग शो जो भी है जि, या जिसने मतलब एक मीनिंगफुल जगह बनाई या पॉपुलर हुए ये वो शुरू में एक डेढ़ महीना दो महीने कोई टी आर पी नहीं है So, she didn't have जितने जो लंबे लंबे एग्जाम्पल्स जो देते हो ना इन सब की शुरू में कोई टी आर पी नहीं थी इट टेक्स टाइम वो एक बुनियाद जो पढ़ने में जो टाइम हो जो वक्त लगता है

थिंकिंग डायरेक्टर को भी मार दिया गया एक और स्वेचा मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों को या किसी भी राइटर को प्रोड्यूसर इसलिए नहीं बनाया गया है ये एकदम क्लियर कर दूं पूरे ऑडियंस में इसलिए नहीं बनाया गया कि हम बड़े टैलेंटेड उनको और वो हमें बहुत चाहते हैं हम लोगों को इसलिए बनाया गया था कि हम वलनरेबल रहेंगे Absolutely. और थिंकिंग प्रोड्यूसर जो है वो लाइन से हट जाएंगे किसी के पास किसी प्रोड्यूसर के पास जिसके पास पैसा है उसके पास वो पावर नहीं आए और चूंकि हम राइटर हैं हम जब प्रोड्यूसर बनेंगे हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम हमेशा वल्नरेबल रहेंगे हम हमेशा डर से उनके साथ काम करेंगे वो अलग बात है कोई एक आध होता है कि चलो मैं घर बेच लूंगा मैं तो ये नहीं करूंगा वो अलग चीज़ है वो एक एटीट्यूड वो या तो आप में है या नहीं है लेकिन ये जो पूरे पिछले दस साल में खास तौर से जो ये हुआ है कि अलग अलग प्रोड्यूसर्स को बनाना बिकॉज वो प्रोड्यूसर की ताकत को ख़त्म किया गया है और एक और चीज बता रहा हूं कोई डर्थ ऑफ राइटर्स नहीं है बहुत राइटर्स हैं भरे हुए मतलब हम पहले से लिख रहे हैं आप बाद में आए हो और भी कई लोग आए हैं आप देखोगे पिछले दस साल में बहुत नए राइटर्स आए और सब अपना अच्छे अपने अच्छा, और अच्छे राइटर्स काम कर रहे हैं चैनल हेड्स रोटेशन में काम कर रहे हैं अगले महीने जाइएगा ये सोनी पे मिलेंगे दो महीने बाद देखिएगा अच्छा ये अब यहां ज्वाइन कर लिया हाँ फिर वो मतलब वो आदमी पंद्रह साल से वही है जो अलग अलग चैनल को डुबा रहा है होल थिंग फ्रॉम द चैनल पर्सपेक्टिव मैं थोड़ा सा जमाने जो बात की उस पर uh, बहुत सही है क्योंकि और एक चीज इंटरेस्टिंगली एक चीज नोट कीजिएगा कि की चैनल में जो डिसीशन मेकिंग अथॉरिटी है ना क्रिएटिव बिजनेस में जो प्रोग्रामिंग हेड होता है वो उसका कोर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है ओके? Okay? आज जितने भी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो प्रोग्रामिंग के लोग नहीं है वो बिजनेस हेड है आप किसी भी चैनल में चले जाइए और सारे अपने दोस्त हैं तो हम नाम लेके भी बोल सकते हैं आप किसी भी चैनल में चले जाइए कि सारे चैनल्स में जो जो डिसीजन मेकिंग है वो बिजनेस हेड के हाथ में है बिकॉज

आ, अपना रेजर कंपनी से डेटॉल से इनको आपको कहानियां सुनाने, मुझे कहानियां सुनाने में कोई एतराज नहीं है लेकिन आप मेरा फ्यूचर तय मत कीजिए सर। नहीं वो साथ में अपने पिछले साबुन कंपनी के साबुन की तरह कहानी बेचने लगते हैं <laughs> प्रॉब्लम वहां है <laughs> कि <के> मैंने <laughs> अपने साबुन को बेचने के लिए ये स्ट्रेटजी बनाई थी वही स्ट्रेटेजी अब यहां पे क्योंकि वो वर्क कर गया वी आर फेलिंग नो वंडर वी आर फेलिंग फिलहाल जो है वो एक्चुअली बिजनेस हेड सिर्फ कहानियां ही नहीं सुन रहे वो लोग एपिसोड भी सुन रहे हैं एक-एक <laughs> एक एपिसोड और दैट्स अ वेरी मतलब क्या कहने वो उन फीडबैक्स के माशाल्लाह मतलब बेसिकली uh, <laughs> ओके uh, <okay>. और <laughs> एक और बात में बार-बार मतलब संजय जी ने एक दो बार रेफरेंस लिया कि अबाउट द नंबर्स सो हमारे लिए हमेशा खूनी थर्सडे हुआ करता था <laughs> अब जो है रोज खूनी डे है

जिनसे हमें प्रॉब्लम है शायद हम एज राइटर्स उनको नहीं बदल सकते हम नहीं डिसाइड कर सकते कि बिज़नेस एट कहानी सुनेगा या नहीं सुनेगा या किसको सुननी चाहिए बट हम अभी एक टेम्पलेट में अटके हुए हैं जो इस प्रोग्राम की शुरुआत में हम कह रहे थे कि सबको एक ही कहानी कहनी है कि एक लड़की है उसकी कहीं तो ज़बरदस्ती शादी हो गई है और वो शादी को उसको साल द साल कोशिश करके सबको साथ में लेके चलाना है अब वो कभी शादी हो सकती है कभी वो माँ बेटे का रिश्ता हो सकता है अगर हिस्टोरिकल में शादी थोड़ा लेट आनी है बच्चे से शुरू करेंगे बट वो होगा वही एक ही टेम्पलेट है और अनफॉर्चुनेटली ये टेम्पलेट इतने सालों में इवॉल्व करके अब इतना पक्का हो गया है कि ऑलमोस्ट एटीट्यूड ऐसा है कि वाई री इन्वेंट द व्हील कि यही चल रहा है इसका रीपैकेजिंग करो और बेच दो नया कहना ही क्यों है क्योंकि और ऐसा नहीं लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं सैन नहीं कहने की कभी कभी स्पर्ट्स में हमको दिखता है कोई शो शुरू में बहुत अलग है वो बाद में इट इज पुल्ड डाउन टू द सेम शो सो सिंस दैट इज वेयर वी वुड बी वर्किंग एज न्यू राइटर्स कि यार हमें टेम्पलेट वाली कहानी नहीं लिखनी हमें कुछ कुछ अलग करना है हाउ डू यू थिंक वी कैन वर्क ऑन आर क्राफ्ट वेयर कैन वी गेट आर स्टोरीज विथ कन्विक्शन एंड ब्रिंग आउट अ स्टोरी दैट यू विल फील कि यार ये जनरेशन जो ओ टी टी पे अच्छा काम करती है काफ़ी नए राइटर्स जो हमने अच्छे देखे हैं वो ओ टी टी पे आए हैं कल हमारे अवार्ड शो में इंजीनियर्स बड़े प्राउडली आके बोल के गए कि यार ये शो इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये सारा इंजीनियर्स ने लिखा है अलग अलग बैकग्राउंड के लोग ओ टी टी पे एक्सपेरिमेंट करने को तैयार थे अब तो वहाँ पर भी हमारी स्पेस खा गई गई है बट

कि आप तीन फिल्मों का रेफरेंस दोगे तब जाके आप जिसको सुना रहे हो उसको समझ में आएगा कि इसके बाद जैसे कभी कभी में हुआ था तो ऐसा हो जाएगा फिर जैसा वो हुआ था विदाउट सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट द सो कॉल्ड क्रिएटिव पीपल हु आर सिटिंग इन द चैनल कांट इवन अंडरस्टैंड कि आप कहने की क्या कोशिश करो विच इज सो सैड मतलब जस्सी जब मैं जो उस दिन बात कर रही थी कि जस्सी जब हुआ तब हो गया पर वो भी एक कोलंबियन शो था उसके रव, नहीं तो उस वक्त अगर कोई बोलता कि एक अगली लड़की आपकी हीरोइन होगी बिल्कुल नहीं कोई करता यू कैन आई कैन नॉट नेम अ सिंगल पर्सन हियर हु वुड हैव हैड दैट कन्विक्शन टू से हाँ लेट्स मेक दिस स्टोरी इट वुड नेवर हैव गॉटन मेड हैड देर नॉट बीन अ शो ऑलरेडी सो समवेयर आई फील वी वी आर स्यर्ड टू यू नो एक्सपेरिमेंट वी डोंट वॉन्ट टू बैक न्यू थॉट्स हम पहले ही फेलियर का सोच लेते हैं हम टाइम नहीं देना चाहते जैसे संजय ने कहा कि भाई वेट करो अगर एंड दिस अथॉरिटी आई फील ओनली द चैनल हैज अनफॉर्चुनेटली इफ दे डोंट हैव दिस कैकि जो भी हो लेट्स गिव इट टाइम लेट्स सी नहीं चल रहा है बट बट आई बिलीव इन द स्टोरी आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू गिव इट टाइम सो वेन नॉवल्स ऑर बींग मेड सरस्वती चंद्र था ये तो आपको बिगिनिंग मिडिल एंड एंड पता है आप उसको तो नहीं बदलते थे ना बीच में चाहे बीच में टीआरपी गिरती थी फिर जाती थी ऊपर फिर गिरती थी यू डेंट चेंज इट इन द मिडल You let it go till the end. There is a purpose to why a story is told in a certain way. A writer who thinks before he writes. He is not crazy. He does not get a new thought every day and say, "Okay, today I will write this." No, there is a lot of work that goes into good writing. Since you are talking about good writing, and new thoughts, are they come, new concepts come, it has to come from people who are thinking new. But okay. who is backing that new thought? Okay. Uh, anything to add? नो नो जस्ट जस्ट वन थिंग सो ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट uh, uh, नहीं किया है चैनल ने मेरे ख्याल से यू uh, नो you know, कुछ कुछ जगहों पे डेफिनेटली किया इट इज़ नॉट ऑल अबाउट सास बहू uh, जैसे कपल ऑफ द शोज सम डिफरेंट शोज दैट आई हैव रिटन इन माई लाइफ सुवरीन गुगल विच वॉज अबाउट दिस यंग गर्ल या कुल्फी कुमार बाजे वाला यू you नो know, जो एक छोटी सी बच्ची की कहानी थी या हिस्टोरिकल्स ले लो यू you नो know, चक्रवर्ती अशोक सम्राट या जैसे अभी हमने धड़कन किया था सोनी पे बिल्कुल नहीं चला ठीक है आ, लेकिन वी वर वेरी प्राउड बिकॉज इट वॉज़ प्योरली मेडिकल मतलब बेसिकली एटलीस्ट वी ट्राइड क्रिएटिंग समथिंग वेरी क्लोज टू ग्रेज एनाटमी ऑन टेलीविजन वी ट्राइड या अभी अली बाबा जैसे चल रहा है मतलब एटलीस्ट देर इज एडवेंचर एंड थिंग्स लाइक दैट पर वट इज़ हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक कि पहले अगर देखा जाए मतलब आज से 20 साल पहले जैसे uh, चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग होती थी ठीक है प्रोग्रामिंग फॉर प्रोग्राम हाँ देवर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग ठीक है फिर एक वेव आया यू you नो know, एक क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चल गया कहानी घर घर की चला और उसके बाद ऐसे कई शोज थे और फिर हम उसी एक फॉर्मूला में अटक गए जो कि सबसे ज़्यादा चल रहा था मुझे कहीं कही ना कहीं लगता है वो चल इसलिए रहा था क्योंकि उनको देखने के लिए एक ऑडियंस मौजूद थी जो हमारी आ, 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 हमारी माएँ हमारी बहनें थी मतलब बेसिकली बट जो बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग इन सोशल मीडिया वेरियस वेरियस थिंग्स फेसबुक से जब से शुरू हुआ जो हमारी यंग जनरेशन टेलीविजन से हट रही थी उसके बाद ना किसी ने कोशिश नहीं की नहीं उसका ये है फजल Because see, what happened is, when you have only mediocres, so only mediocres So what you have today is, and I'm sorry, sometimes it may sound a little judgmental, but that's what we are left with in television viewing, unfortunately. You know, that's the sad part of television. Uh, not very many people who are interested in good storytelling or watching are not tuning into television. Because that bouquet is not there, essentially. No, so I, I worked for two years in England for <laughs> Yorkshire Television, and there used to be a programming policy which was given by the ITN network, जो nineties we control करता Yorkshire Television we control So they had a program policy that you have to make such programs, type let's say.

साढ़े छः में कन्वर्ट होना चाहिए साढ़े छः का साथ में कन्वर्ट होना चाहिए ऐसे प्राइम टाइम पे पीक होना चाहिए सो द टेस्ट ऑफ व्यूइंग मतलब बहुत ड्रास्टिकली अगर बदल जाता है तो जॉनर चेंज हो जाता है मुझे उस जॉनर में इंटरेस्ट नहीं है तो अभी नाउ दैट इज अ साइंस सो दे हैव अंडरस्टूड अनफॉर्चुनेटली मतलब अगर ड्रामा है तो सारे ड्रामा को एक जैकेट में डाल दिया गया है एंड एवरीथिंग हैज बिकम वन काइंड ऑफ वन शो अभी मान लो

there is a certain segment of audience which so channel has to be brave enough to do that like it's okay there will be kyunki saas bhi kabhi bahut hi but there will also be uh, uh, malgody days Correct. for instance kyunki ek audience uski hai aap uska time slot chahe aap experiment kar lo mujhe ki baat mein aapko batau sanjeev sanjeev revenues uh, one second jama uh, uh, revenues जो होती है ना because इनके पास एक वो बहुत बड़ा excuse होता है कि revenues because you are being driven but any media planner यू विल टेल यू कि जो टॉप के चार चैनल्स हैं उनमें रेवेन्यू बराबर का बढ़ता है जितना भी पैसा अगर स्पेंड है अगर मान लीजिए आपका यूनिलिवर है या फिर बेनेट बेनिटकोलमेन है या फिर जो भी है उनके जो मीडिया प्लानिंग में जो खर्चा होता है हर चैनल के लिए वो सोनी के लिए भी उतना ही है जितना कलर्स के लिए है या स्टार के लिए है। कोई कम किसी के लिए नहीं है ओके सो यू गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी

और उसको कंपेयर मत करो 9 पीएम के स्लॉट से ये तो हो सकता है नहीं मैं सिर्फ जॉनर की बात कर रहा था कि जॉनर जो है ना अब टेलीविजन में किड्स का व्यूइंग एक अलग सेक्शन बन गया है है ओके बट अगर आपको हॉरर और थ्रिल देखना है तो उसका एक कैटेगराइजेशन एक अलग हो गया है आपको प्राइम टाइम पे ड्रामा देखना है मान लीजिए सात बजे से लेके रात के दस साढ़े साढ़े दस बजे तक आपको ड्रामा देखना है तो ये एक व्यूअर एक साइंस बोलता है उसके अलावा भी ना संजय देर इज नो

केस बिकॉज अब हमारे से स्लॉट्स भी छू छिन गए और हमसे ये भी बोल दिया गया कि ऑडियंस को कन्वर्ट करना है साढ़े छः को सात बजे भी आना है सात को साढ़े सात बजे भी आना है एंड एट द सेम टाइम मैं क्यों आऊँ जब मैं uh, अगर मुझे कुछ देखना ही है जैसे मुझे अनुपमा देखना है तो मैं देख लूँगी ना हॉट स्टार पर मैं देख लूँगी उसको जब मेरे को टाइम मिल रहा है मैं अपॉइंटेड व्यूइंग जो एक टीवी का uh, चीज़ था अब मेरे पास हर चीज़ उसके ऐप में है तो मुझे अगर आप कुछ अच्छा लिखोगे मैं वहाँ देखूँगी तो जब आपकी ऑडियंस वहाँ शिफ्ट हो रही है नेचुरली इवन इफ इट इज़ टू वॉच योर शो देन वाई दिस प्रेशर टू गेट नंबर्स थ्रू टी वी व्यूइंग देन एटलीस्ट हमारे लिए स्पेस खोल दो कि कम से कम कहानी वो अपने कन्विक्शन से कहें क्योंकि ऑलरेडी जो एंड ऑल्सो द थिंग इज कि सर uh, जैसे अभी uh, आप जाते हो चैनल तो एक चीज़ हो जाती है अनुपमा चल गया अब अनुपमा से पहले कभी सुजाता चला था uh, व, लेकिन अनुपमा चला उससे पहले कुल्फी कुमार बाजे वाला पोतोल कुमार वाला का रीमेक है अनुपमा किसी और शो का रीमेक है तो ऑलरेडी ना इतने उनके पास डेटा है और उनके पास खुद के जलसा से उठाए हुए शोज हैं इससे उठाए हुए शोज हैं कि वो ला के ही दे रहे हैं कि ये सब तो है ये चल गया है वहां चलाए वहां चला है तीन रीजनल चैनल्स पे चल गया है अब तुम इसी को लिख दो तो एक और स्पेस जहाँ पे ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग हो रही थी वो जा रही है एंड चैनल विल ऑलवेज मेक दीज डिसीजनस हाउ एज राइट एज राइटर्स इज देर एनी होप सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियलिज्म वी विल बी एबल टू काउंटर दिस कि हाँ आपका जलसा पे वो शो चला है वो अनुपमा है लेकिन आप मेरी देखो ना मतलब मैं आपको एक परमेंट रूममेट्स लेके आना चाहती हूँ मैं आपके सामने क्योंकि ये अर्बन स्पेस है ये वो वाली जिंदगी और हकीकत है जो बॉम्बे में लिविन अब ये जनरेशन लिविन के लिए इतनी सरप्राइज नहीं है वो चाहती है कि टी वी एक शो हो जो लिविन पे हो तो ये ये हम कब बोलेंगे ये कहानियाँ क्योंकि हम हमसे अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम वो कहानियाँ लेके आए जो ज़िंदगी हमने जी है तो शायद वो ज़िंदगी ही बहुत अपडेटेड वर्जन है हम हम इंस्टाग्राम फेसबुक हमारी जवानी है हमारी जवानी नहीं है चिट्ठियाँ तो हम नहीं रिलेट करते उस चीज़ से पर आप जब हम आपके पास आते हैं कहानी कहने के, के लिए आप हमें वही टेम्पलेट पकड़ा देते हो कि रोमांस तो यार वो एक गाना बजेगा वही होगा टेक्नोलॉजी समझ नहीं आएगी टेक्नोलॉजी आधी चीजें तो हमारे आइडियाज में रिजेक्ट हो जाते हैं कि यार ये समझ नहीं आएगा ये जो फिल्टर्स हो रहे हैं इसमें हम कहा जाए अपनी कहानियां कहने क्योंकि जो जिंदगी जी के हम आए वो कहानियां नहीं है आप लोग लेने के लिए रेडी वो सीन में रेडी नहीं है should... कबूल <laughs> है मैं जोया आईपैड यूज करती थी

कोई तो है जो पीछा कर रहा था और उसके हाथ में शर्ट का एक टुकड़ा आता है वो वो टुकड़ा स्कैन करती है उसको गूगल इमेजेस पे देखती है उसको पता लगता है कि ये सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ की है और वहाँ से वो पहुँच जाती है मैंने लिखा था ये आ, अपना सीन ये सीन थैंकफुली गुल मैम ने चलाया भी था ये गया भी था और रेटिंग नहीं आई तो उसके बाद उस राइटर रूम में मुझे बोल दिया गया यार यार आई पैड ना भी जोया को थोड़ा कम कर दो बेटर है कि जोया विल जस्ट बी क्योंकि असर अब बात नहीं नहीं कर कर रहा है तो 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 वो शायरी बोलेगी ट्रक के पीछे लॉरी बोलना पड़ेगा सॉरी तो मेरी अच्छी राइटिंग को तो ख़राब दिया ना सर नहीं, नहीं, है का, मैं उसका बताता हूं. <laughs> देखने वाले अगर होंगे तो आप क्या करोगे मतलब देखने वाले भी चाहिए ना बेसिकली सर कबूल है सो so मच और किसी ने एक आइडिया ले जाकर बेचा उनको लगा चलेगा उन्होंने बना दिया बट जैसे कबूल है वेरी ब्यूटिफुल लव स्टोरी असदी लव्ड कैरेक्टर्स इंडिया लव देवर टॉप रेटिंग ही नहीं आ रही थी कुछ करो कुछ करो कुछ करो एक दिन गुल हम लोग सब बैठे हुए थे हमने कहा बुढ़ी को उल्टा लटका देते और आप बिलीव नहीं करोगे बुढ़ी को उल्टा लटकाया और रेटिंग आ गई उसके बाद बुढ़ी को उठका उल्टा लटकाने से मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस लिखे हैं कि ये जहाँ सास ने जो है वो दुपट्टे में बीनाकारी की है उसमें बारूद भर के मतलब यू नो बहू को दिया है बहू जो है वो आग के इसमें नाचने वाली है कभी भी फट सकता है हमने बुढ़ियों को वॉशिंग मशीन में डाल दिया सुपर हिट कॉफिन में एक लाश पड़ी थी मतलब जो घूम रही थी पूरे घर में ठीक है आई थिंक टेलीविजन की सबसे पहली डायन वो भी एक अचम्मा था मतलब कि क्या करे कुछ अलग करते कुछ अलग तो डायन ले आओ डायन आ गई सो आई थिंक आई थिंक द ऑडियंस ना सो द ऑफ़ रनिंग शो फॉर अ टाइम अगर नहीं नहीं आ, इसमें, नहीं इसमें नहीं, नहीं। ना जो फैज़ल ने एक शुरू में बात कही थी कि प्रॉब्लम देखिए असल में हम जब भी राइटर्स और ये सब मिलते हैं तो एक चैनल बैशिंग शुरू कर बिल्कुल बिकॉज और वो गलत नहीं है वो अच्छी बात है वो दे डिज़र्व uh, <laughs> लेकिन एक एक दूसरे जो हैं जिन पे वाकई उनकी भी जिम्मेदारी होती है जिसको हम हमेशा एक, नहीं बात करते हैं अपने डर से कि उनको नाराज़ नहीं करना है

सेम सीन सेम तरह की चीजों को जब आप एम और बी के साथ बोल रहे हैं एकदम पूरा एंटरटेन हो रहे हैं सारे लोग तो वो जो ग्रैब करना ऑडियंस को ना इंगेजिंग इज नो लॉन्गर ट्रेंडिंग जो कि राइटिंग का बेस है एंगेजिंग आपको अपने ऑडियंस को एंगेज करना द प्रॉब्लम इज के नाउ आई द ऑडियंस वो कॉलर पकड़ के और मतलब जो रहते ना कि बस पकड़े रहो छोड़ना नहीं है थोड़ा मार्ग हाँ और ये ऑडियंस आप इनको ये अफीम खा के बैठे हुए बिल्कुल बिल्कुल अग्री। ये ये जब तक वही जो बोला ना कि वो चलते चलते मक्खी ना बन जाए ये पलटते नहीं है जैसे ही वो मक्खी बन जाती है पूरे घर में आपस में सारे रिश्तेदारों को फोन करना चाहिए मक्खी WhatsApp बन गए आप सोचिए हाउ डेयर एनी प्रोमो टीम और चैनल ये प्रोमो बना रहा है पहला कि एक औरत ने तरबूज जन्म दिया मतलब वो बेवकूफ नहीं हो सकता उसको मालूम है कि ये ऑडियंस है इसके लिए पैसा लगाने वाला इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगा बिल्कुल भी हाँ तो वो उसको मालूम है तो प्रॉब्लम विद ऑडियंस आल्सो ये मेजर प्रॉब्लम सो आई थिंक विच समथिंग दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री ऑन कि पिछले डेकेड में टीवी गांव गाँव गाँव में चला गया है ना तो आपका ऑडियंस बेस बदला है तो हम हम कहते हैं टीवी रिग्रेस हो गया टीवी राइटिंग रिग्रेसिव हो गई है पर ऑडियंस बेस भी तो वो हो गया जहाँ की वो जो देख रहे हैं वहाँ बैठ के जो बुढ़ी माँ देख रही हैं और उनकी बहू देख रही है उनका एक्सपोजर फोन no, so पे टिकटॉक बनाते हैं वो हां, वो फोन पे टिकटॉक बनाते हैं जो टिकटॉक बनाते हैं अलग सेगमेंट है और जो आपका लार्ज मास, जो मासेज अभी तक भी है अनफॉर्चुनेटली वो टिकटॉक बनाने वाली मासेज नहीं है नहीं, वो उनको लैपटॉप हुआ अच्छा लगता है पिछले पंद्रह बीस सालों से आई एम गेटिंग इन टू दिस अगेन एंड अगेन कि आप देखिए हमने उसको मार दिया और हम ही लोगों ने मारा है okay? ओके और ऑडियंस को भगा दिया जैसे हमने प्रोड्यूसर्स को भगा दिया डायरेक्टर्स को भगा दिया राइटर्स को भगा दिया हमने बहुत सारे ऑडियंस को भी भगा दिया ओके okay? और हमने ये होते हुए देखा है हमने किया है वी आर पार्ट ऑफ इट वी आर पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस एज मच एज द पीपल मतलब क्रिएटिव लोग वहाँ भी मान लीजिए इधर भी जो भी कोई अलग नहीं है यू नो बिकॉज़ आई बीन दैट साइड, आई बीन हेयर सो वी हैव कलेक्टिवली एक्चुअली हमने उनको uh, इससे बाहर निकाल दिया और एक जितना मतलब ऑडियंस हमारा इंडिया का जितना आप पेनिट्रेट करेंगे ना उतना उसका एक अलग लेवल का एक थिंकिंग है एक अलग लेवल का एक आई है और धीरे धीरे हमने ये बोल के अपने आप को ये कन्विंस कर लिया है कि नहीं नहीं वो तो बहुत ही छोटा सोचता है उसको तो समझ में नहीं आता है उसको डम डाउन करना पड़ेगा करते करते इतने डम हो न, गए ना ऑडियंस जो ग्रो कर गई वो तो अलग अलग लेवल पे चले गए वो ओ में मूव कर गए आप वहीं डम रह गए उन्हीं चंद डम लोगों को लेके आप बैठे हुए अपनी दुनिया में सो दिस इज़ वेर अग्री बट इंटरेस्टिंगली आई थिंक हम रादर देन जस्ट कीपिंग इट अ वेंटिंग प्रोसेस और जैसे जमा कह रहे थे कि हमारी भड़ास है इम्पॉर्टेंट ये है कि आज अगर हम ये बातें इस मंच से बात कर रहे हैं और एस डब्ल्यू ए के फोरम से बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए और ये एक लेसन होनी चाहिए नॉट जस्ट फॉर पीपल लाइक अस हु आर इन द बिजनेस आइदर ऑफ़ द साइड्स बट ऑल्सो लॉट ऑफ राइटर्स हु आर बडिंग हु एस्पायर हु वॉन्ट टू बी दे मस्ट टेक अ स्टैंड एंड टूडे इन विच एवर साइड दे आर यू नो प्रोबेबली दे विल बी एबल टू मेक दैट डिफरेंस एंड मेक थिंग्स बेटर बिकॉज ये इतना बड़ा मीडियम है ना इसको हम अपने हाथ से इस तरह से जाने लेंगे एंड आई फील बहुत बार हम लोग अपने आइडियाज खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज वी फ़ियर रिजेक्शन फ्रॉम आउटसाइड दैट इज समथिंग वी हैव टू यू नो अगर हम खुद नहीं बिलीव करेंगे अपने आइडियाज में वी डोंट टेक दोज आइडियाज टू पीपल हो सकता है दस में से नौ बार रिजेक्ट हो बट एक बार जब नहीं होगा रिजेक्ट एंड इट डज गो दो ब्रिंग अबाउट द चेंज एंड चेंज हैज कम न फ्रॉम फ्रॉम गुड टू बैड

उसको कैसे कॉम्बैट किया जाए ये आपको समझ के आगे बढ़ना चाहिए मतलब फॉर द बडिंग राइटर्स और मतलब सिमिलर थिंग इफ इफ यू यू राइट अ वेब सीरीज मतलब यू गो टू एनी वेब सीरीज एनी पर्सन सिटिंग अक्रॉस द टेबल विल टेल यू एकदम मतलब स्टार्ट शुड बी लाइक यू नो बैंग ऑन इट शुड बी बिंज वी वॉट इज टाइम स्पेंड बिंज वर्